जियो फोन ले लो भाई, जियो फोन सबसे सस्ता फोन। जियो फोन ले लो भाई, जियो फोन आपके गली में मोहल्ले में सबसे सस्ता फोन। जियो फोन ले लो भाई, जियो फोन। म्यूजिक लग चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम बात करेंगे जियो फोन के बारे में। जियो ने अभी जियो फोन 1 का प्राइस डाउन किया है। क्या जियो फोन का प्राइस सच में डाउन हुआ है या फिर प्लान में कोई कटौती की है, वो सभी बातें हम जानेंगे आज इस वीडियो में। साथ के साथ कंपेयर करेंगे जो हमें पहले ये मोबाइल फोन मिल रहा था 1500 रुपए में, क्या क्या डिफरेंसेस कंपनी ने किए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप बेटर जान सकें कि हमें फोन खरीदना चाहिए या नहीं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पहले हमें ये जियो मोबाइल फ़ोन कितने रुपए में मिल रहा था। तो अगर मैं बात करूं जो पुराने प्लान थे इस जियो मोबाइल फ़ोन के, उसमें हमें मोबाइल फ़ोन मिल जाता था 1500 रुपए में, जिसमें हमें 6 मंथ के लिए अनलिमिटेड कॉल मिलती थी प्लस रोज़ का 500 MB डेटा मिलता था। और साथ के साथ उस टाइम पहले एक्सचेंज ऑफर हुआ करता था, जिसमें अगर हमारे पास कोई और मोबाइल फ़ोन है जियो के अलावा, उसको हम देकर इस मोबाइल फ़ोन को खरीद सकते थे सिर्फ 1100 रुपए में। तो पहले प्लान कुछ इस तरह था, लेकिन अब इसका प्राइस डाउन कर दिया है जो कि रहता है मात्र 699 रुपए, यानी कि 700 रुपए में हमें कोई भी प्लान देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर मैं इस फोन को लेना चाहूं तो मुझे 700 रुपए इस मोबाइल फोन के प्लस मुझे 99 का एक रिचार्ज कराना होगा, जिसमें मुझे एक महीने के लिए यानी कि 28 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉल मिलेगी और रोज के 1 GB डेटा मिलेगा। और उसके बाद जो 5 रिचार्ज और रह जाते हैं उनमें आपको 1 GB डेटा मिलेगा और अनलिमिटेड कॉल मिलेगी। अगर आपको इसके यानी एक रिचार्ज के बाद रिचार्ज कराते हो 99 का, अगर वो नॉर्मल कस्टमर कराता है तो उसको 500 MB डेटा मिलता है। अगर आप इस फोन के लेने के बाद 5 रिचार्ज और कराते हो तो आपको 1 GB डेटा मिलेगा। तो चलिए अब हम कंपेयर कर लेते हैं कि जो पुराना प्लान था या फिर अब का प्लान है, उन दोनों में हमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। दरअसल पहले ये मोबाइल फोन हमें मिल रहा था 1500 रुपए में, तो अब इसकी अगर मैं कैलकुलेशन करूं 6 मंथ के प्लान के साथ तो हमें ये मिल जाता है 1300 रुपए में, यानी कि 699 रुपए का मोबाइल फ़ोन प्लस इसमें 6 रिचार्ज ऐड कर लो आप 600 रुपए के, तो ये हो जाते हैं 1300 रुपए। तो 200 रुपए का हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है। और साथ के साथ एक और बेनिफिट हमें मिलता है, वो रहता है 500 MB डेटा का। पहले हमें 500 MB डेटा ओनली मिल रहा था, तो अब हमें 1 GB डेटा मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का डिफरेंसेस हमें देखने को मिल जाता है। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि पहले हमें ये सस्ता मिल रहा था या अब सस्ता मिल रहा है। अगर आपके एरिया में नेटवर्क अच्छा है जियो का तो आप ये मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ी पहले प्रॉब्लम भी आ रही थी मोबाइल फ़ोन में क्योंकि कीपैड वगैरह में। तो हाँ, मेरे ख्याल से अब इसको थोड़ा इम्प्रूव कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये जियो फ़ोन का प्लान रहता है और आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी म्यूजिक लेकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए।